पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो चुका है चालू। लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया तक आप किस तरीके से एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो पे बने रहें, स्किप ना करें, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। सो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय बिंद रुद्रा ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। इस समय हम आ चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर कम्प्लीट हो चुका है। और आप सब भी सफ़र करना चाहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे फ्रेंड, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर लखनऊ से गाजीपुर का सफ़र है तो आप एक्सप्रेसवे के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। कहां पर होगा आपको हम बीच बीच में बता दे रहे हैं, जो कि दोस्तों आप इस समय देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को कम्प्लीट मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे जितने स्पीड में जाएंगे, आपको ना टोल टैक्स देना पड़ेगा, अभी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आप विदाउट टोल टैक्स के जा सकते हैं। और कम्प्लीट भी हो चुका है आपको जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होगा, वो परेशानी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं कहां पर आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन ऐसा परेशानी नहीं होगा कि आप जो है गाड़ी अपना ना निकाल सकें और आगे न जा सकें, तो इसी वीडियो में। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हम बाइक से एक्सप्रेसवे पे आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड डिवाइडर का काम नहीं हुआ है। इसी तरीके से आपको बीच बीच में आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे कि 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, और जहाँ पर पुल रहेगा वहाँ पर खासकर जो है डिवाइडर का कार्य बीच बीच में नहीं हुआ है। जो कि यूपीड़ा के लोग कार्य करते हैं, वो लोग गाड़ी 4 व्हीलर चलाते हैं, तो उन लोग को दिक्कत होता है, दोनों साइड पे चेंज करते रहते हैं, इसीलिए वो लोग अभी डिवाइडर का कार्य बीच बीच में नहीं किए हुए। तो यहाँ पर आप साफ ही देख सकते हैं सामने की तरफ, और इस समय आप देख सकते हैं बाई साइड आप जो कि डिवाइडर का कार्य पूरा हो चुका है दोनों साइड, लेकिन बीच बीच में छोड़ दिया गया है दोस्तों, इसी के लिए छोड़ा गया है, कोई दिक्कत ना हो। और एक्सप्रेसवे को चालू करने का राज यही था कि जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चालू कर दिया जाएगा, जो लेकिन आप सब अगर एक्सप्रेसवे के माध्यम से सफ़र करते हैं तो आपको कहां कहां पर परेशानी होगी, जो कि हम शुरू में पहले ही वीडियो में आपको बता दिए कि आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन कहां कहां पर होगी आपको लाइव प्रूफ दिखाने के लिए बोले थे, वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। जो ये साइड में डिवाइडर आप लगा हुआ है देख सकते हैं साइड में, जैसे कि हर जगह जो है डिवाइडर नहीं लगाया गया है, बीच में जैसे लगातार लगा दिया गया है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर डिवाइडर लगातार लगा दिया गया है और बीच में पुल नहीं आ रहा है, तो आपको परेशानी होगी ये कि आपको वापस करके पीछे से जाकर फिर से जो है डिवाइडर को पार करके आप तभी आ जा सकते हैं। अब जैसे हम लखनऊ से गाजीपुर की तरफ चलते हैं तो आप बीच बीच में आप देख सकते हैं सामने, जो कि यहाँ पर स्पीड भी आप काफ़ी ज़्यादा, जो दोनों लाइन के बीच में डिवाइडर लगाया जाता है पूर्ण रूप से लगाया नहीं गया है, बीच बीच में छोड़ दिया गया है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे गाड़ी बहुत आसानी से पास किया जा सकता है एक लाइन से दूसरे लाइन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आगे चल के आपको हम दिखाएंगे कि कैसे एक लाइन से दूसरे लाइन पे जा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड डिवाइडर का कार्य पूरा मिलेगा, जो कि और आगे चलते हैं जो कि पुल के पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये बीच में जो डिवाइडर आप देख सकते हैं नहीं लगाया गया है। यहाँ से आप अपना 4 व्हीलर या कोई भी गाड़ी हो तो आप आराम से पास कर सकते हैं, एक लाइन से दूसरे लाइन पे जा सकते हैं, जो कि आप दाहिने साइड हमारे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको परेशानी इतना ही होगा कि आप पीछे जाएंगे फिर वापस आएंगे, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप वापस आके फिर से जो है दूसरे लाइन पे जा सकते हैं, बस इतना ही परेशानी होगा, ऑल टोटल आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। आई होप वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस, ताकि नोटिफिकेशन आप तक